हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अग्रवंशी और आपके अपने चैनल अग्रवंशी रसोई में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कॉफ़ी का सिरप बनाएंगे जो बहुत ही बढ़िया डिजाइनिंग होते हैं ना कॉफ़ी में। जैसे आप रेस्टोरेंट पे जाते हो कॉफ़ी पीने तो आप देखते होंगे गिलास में यानी साइड साइड जो डिज़ाइन बना रहता है वो कॉफ़ी के सिरप से ही डिज़ाइन बनाया जाता है, तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए आज सिरप हम अपने घर पर तैयार करेंगे। उसके लिए हमने थोड़ा सा सामान इकट्ठा किया है। सारा सामान हमने इसी चम्मच से रखा है, मेजरमेंट सारे इकट्ठा किया है। एक चम्मच हमने रखा है मैदा, साथ ही हमने 3 चम्मच लिया कोको पाउडर, 5 चम्मच हमने लिया है चीनी, 1 चम्मच हमने रिफाइंड ऑयल लिया है। अगर आपके पास वैसे इसमें तो बटर डालना है ऑप्शनल है, हमने रिफाइंड ऑयल लिया है, तो आपके यहाँ जो बटर हो ले सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, रिफाइंड ऑयल ही ले सकते हैं। साथ ही हमने रखा 150 मिलीग्राम के बराबर दूध, दूध हमने फुल फैट रखा है। तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस की तरफ जाने से पहले कुछ सामान हम इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे हम लेंगे मैदा, साथ ही हम चीनी, यानी चीनी मैदा और कोको पाउडर को इकट्ठा हम मिक्स कर लेंगे इसी में। तो ये देखिए बढ़िया तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से आज हम कॉफ़ी का सिरप बनाएंगे। कुछ लोग सोचते होंगे कि सिरप कॉफ़ी तो बना लेते हैं अक्सर सब लोग, सबके यहाँ बराबर बनता रहता है, पर सिरप बहुत कम ही लोगों को पता होता है अपना। तो चलिए इसलिए आज हम कॉफ़ी का सिरप आप लोगों को बता रहे हैं। यहाँ मैं आपको ध्यान दिला दूँ, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की रेसिपी आपको कैसे लगी। तो चलिए फाइनली मिक्स हो गया है, अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने एक बर्तन रखा है, बर्तन डालेंगे दूध। सिरप में बढ़िया सा मॉइस्चराइज डालने के लिए हम डालेंगे 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल, अगर आपके पास बटर हो तो ले सकते हैं, ऑप्शनल है। अब इस एक उबाल हम आने का करेंगे वेट। देखिए दूध में उबाल आ रहा है, ये देखिए धीरे धीरे दिख रहे हैं ना। वैसे इंडक्शन पे हमने रखा है तो थोड़ा इंडक्शन पे बराबर तो चलता ही है, पर एक बार ये देखिए ऊपर की तरफ आता है, ज़्यादा फ्लेम तेज होता तभी ऊपर की तरफ आता। अब इसको हम इसी में मिक्स कर लेंगे और बराबर इसको चलाते रहेंगे। इसको लो टू फ्लेम पर रखना है, जब तक बढ़िया चीनी मेल्ट नहीं हो जाता तब तक हम इसको चलाते ही रहेंगे ऐसे ही। ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही यूनिक तैयार होगा। आज जब अपने घर पर तैयार कर लोगे एक बार, आपको होटल पर कॉफ़ी पीने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप घर पर अक्सर बनाकर पियोगे। फाइनली गाढ़ा हो गया है, अब हम गैस के नीचे बंद कर देते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से रेडी हो गया है। तो ये देखिए आप इसे स्टोर करके 1 हफ्ते तक रख सकते हैं। आप इसका चॉकलेट भी बना सकते हैं, चॉकलेट आइसक्रीम भी बना सकते हैं, या केक के ऊपर जो सजाया जाता है ना चॉकलेट स्टाइल में, वो भी आराम से कर सकते हैं, इस तरह यूज कर सकते हैं उस जगह पर। तो ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से गाढ़ा गाढ़ा सिरप हमारा रेडी हो गया है घर पर। जब मन करे कॉफ़ी पीने का तो सोचना कैसा फटाफट आपको गिलास में सजाकर कॉफ़ी पी सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो ये देखिए हमने एक बोतल लिया है, वैसे लिम्का का बोतल, आपके जो बोतल सीसीओ ले सकते हैं आप, उस इसी में हम पैक करके 1 हफ्ते तक स्टोर करके रख लेंगे। जब मन करेगा कॉफ़ी पीने का फटाफट आप तैयार करके पी सकते हैं। फैली से डिब्बे में पैक कर लिया, एयर टाइट डिब्बे में पैक करना है। इसका मैं आपको रेपर निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से दिख रहा है ना बढ़िया, बहुत ही यूनिक तरीके से, बहुत ही प्रॉपरली तैयार हो जाता है घर पे, बहुत इजी है, सब अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए अब हम टाइट डिब्बे में बंद करके रख देते हैं। फाइनली तैयार है, रेडी है सिरप हमारा कॉफ़ी का। कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए हम लेंगे 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर, इंस्टेंट पाउडर है ये कॉफ़ी वाला, बढ़िया है। इसमें हम 2 ही चम्मच रखेंगे, वैसे सारी कॉफ़ी अच्छी होती हैं तो आपके यहाँ जिस फ्लेवर पर ले सकते हैं। हम रखेंगे 2 चम्मच, साथ ही हम 2 चम्मच गुनगुना पानी भी रखेंगे इसी मेजरमेंट से। हम साथ ही 2 चम्मच हम चीनी रखेंगे, यानी हमने 2 चम्मच कॉफ़ी रखा, 2 चम्मच चीनी, साथ ही 2 ही चम्मच हमने गुनगुना पानी भी रखा है। अब इसको बढ़िया से हम पहले मिला लेते हैं। सबसे पहले हम इसका झाग तैयार कर लेंगे, क्योंकि कॉफ़ी के ऊपर जो झाग रहता है वो पीने में बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो उसके लिए हम बढ़िया से पहले इसको मिक्स कर लेते हैं, जिससे बढ़िया से झाग हमारा रेडी हो जाए। देखिए हमने इसको इतना फेंटा, इसका कलर चेंज हो गया और बढ़िया सा झाग हमारा हो गया है रेडी। ये देखिए कितना बड़ी तरीके से झाग हमारा रेडी। आप चाहे तो इसे मिक्सी में
अच्छे से झाग तैयार कर सकते हैं। 2 मिनट में मिक्सी में तैयार हो जाता है झाग। तो ये देखिए, अब जिनके यहाँ मिक्सी नहीं है हाँ, तो उनको मैं ऐसे कटोरी में जुगाड़ बता रही, अच्छे से कर सकते हैं। ऑप्शन है घर पर झाग तैयार करने का। तो ये देखिए, सोचना कैसा, झागदार कॉफ़ी पीने के लिए झाग हमारा रेडी हो गया है। अब चिल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए, यानी कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए हम लेंगे चिल्ड दूध। चिल्ड कॉफ़ी यानी कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए हम चिल्ड दूध लेंगे। 1 कप हम लेंगे दूध, जो कि बहुत ही चिल्ड है। हमने 1 घंटे पहले दूध को उबाल कर फ्रिज में रख दिया था, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से ठंडा हो गया है। साथ ही इसमें डालेंगे हम 4 से 5 आइस क्यूब्स, यानी छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े। साथ ही हम इसमें लेंगे 1 चम्मच मिल्क पाउडर, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा, इसलिए हमने मिल्क पाउडर लिया। अगर आपके पास हो तो रखिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑप्शन। साथ ही जो हमने कॉफ़ी को मिक्स करके रखा, उसको भी इस 1 चम्मच में हम ऐड कर लेंगे। अब एक बार हम इसको हाई स्पीड में ब्लेंड करेंगे। फाइनली हमने ब्लेंड कर लिया एक बार। ये देखिए, इतना बढ़िया तरीके से रेडी हो गया झाग भी, झागदार भी कॉफ़ी हमारा रेडी हुआ है। तो चलिए, सबसे पहले हम ग्लास को थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं होटल वगैरह में पीने जाते हैं तो कितना बढ़िया से डेकोरेट किए रहते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है ना। तो चलिए, आज उसी तरह से हम भी थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। साइड साइड थोड़ा सा हम सिरप लगा लेते हैं। एक हमने लॉन्ग शेप में डिज़ाइन तैयार किया, दूसरा डिज़ाइन हम तैयार करने के लिए जैसे इन सिरप को डालेंगे, ग्लास को टेढ़ा करते चलेंगे, जिससे बढ़िया से डिज़ाइन हमारा रेडी हो जाए। बिल्कुल ऐसे, ये देखिए, इसको घुमाते रहना है, एक ही जगह नहीं रखना है। तो ये देखिए, बहुत ही प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन हमारा रेडी होगा। फाइनली हमने सिरप का डिज़ाइन एक तैयार कर लिया है। अब इसमें जाएगा हमारा चिल्ड कॉफ़ी जो हमने तैयार किया। ये देखिए, बहुत ही यूनिक लग रहा है, देखकर तो कोई इसे बता ही नहीं सकता कि हमने इसे घर पर रेडी किया है। देखिए कितना झागदार हमारा कॉफ़ी रेडी हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, पीने में तो मज़ा ही आ जाएगा। ये देखिए, अब इसके ऊपर से थोड़ा सा हम झाग ऐड कर देंगे, जो पीने में बहुत ही मज़ा आएगा। ये देखिए, एक प्रकार से डिज़ाइन भी तैयार हो जाएगा इसका। ये देखिए, फाइनली कॉफ़ी हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए, चलिए चिल्ड कॉफ़ी पीते हैं, यानी कोल्ड कॉफ़ी। तो मन करे कॉफ़ी पीने का तो सोचना कैसा, फटाफट आप घर पर तैयार कर सकते हो। जिस शेप में आप डिज़ाइन देना चाहते हैं, डिज़ाइन भी अच्छे से आ जाएगा। तो ये देखिए, चलिए आज के वीडियो चलते हैं, मिलते रहेंगे ऐसी वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आज की रेसिपी हमारी कैसे लगी। चलिए चलते हैं, राधे राधे।